हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग वीडियो लेकर। आज आया हुआ हूँ मैं हरिद्वार, और हरिद्वार में भी मैं अभी हर की पौड़ी मोती बाजार घूम करके अब फिर मैं माँ मनसा देवी के प्रवेश द्वार के पास खड़ा हुआ हूँ, जो कि मुझे लेकर जाएगा माता जी के दर्शन कराने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ मोती बाजार में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं मनसा देवी द्वार पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखिएगा, इस तरफ मनसा देवी द्वार बना हुआ है वो, तो यहाँ से मैं अभी एंट्री करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ मनसा देवी चल करके कि क्या क्या यहाँ पर रहता है, किस तरह की यहाँ पर टाइमिंग है, किस सीज़न में यहाँ पर आना ठीक रहता है और क्या क्या इसकी लोकेशन है। सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको, रास्ते में जो चीज़ें यहाँ पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाई रहती हैं, क्योंकि पैदल वाला मार्ग है, पैदल वाले मार्ग पर हम चलेंगे आगे, तो आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये सामने आप देखेंगे माँ मनसा देवी द्वार बना हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो पब्लिक का आना जाना है वो, और दोनों ओर आपको खचाखच भरा हुआ ये बाजार नज़र आएगा। यहाँ पर जो हैंडलूम चीज़ें हैं वो सारी बिकती रहती हैं, फूल प्रसाद हैं वो बिकते रहते हैं, और काफ़ी अच्छे स्टोर बने हुए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जो भी चीज़ आपको खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। ये देखिएगा, फूल प्रसाद की दुकानें लगी हुई रहती हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी अच्छी, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेटिव की दुकानें रहती हैं। ये पैदल मार्ग है और इस तरफ से हम पैदल मार्ग होकर के जाएंगे माता मनसा देवी के मंदिर तक। आपको बताने वाले हैं मनसा देवी का क्या इतिहास है, थोड़ा उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, तो वो सारी चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पर रहती हैं और कितनी लंबी कतारों में होकर के हमें मनसा देवी मंदिर के दर्शन होते हैं माता जी के। और वहाँ पे कोशिश ये भी करूँगा मैं कि माता जी के जो गर्भगृह है उसका भी आपको दर्शन कराऊं। ये देखिएगा, यहाँ से कितनी भीड़ लगी हुई है अभी, इस तरफ कुछ इस तरफ, तो यहाँ से हम चलेंगे अब आगे। पैदल मार्ग है ये, पैदल मार्ग को हम चल करके माँ के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आस्था है मन में लोगों के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो रास्ता है यहाँ से चढ़ता है, पैदल वाला रास्ता ये है, यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए हैं। और जगह जगह पर आपको ये प्रसादों की दुकानें लगी मिलेंगी, यहाँ से आप कहीं भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी ये मनसा देवी के लिए जो चढ़ाई है वो हम चढ़ रहे हैं, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कुछ, तो थोड़ा आगे जा कर के जो रास्ता है वो बिल्कुल समतल भी आएगा जिस पे चढ़ाई चढ़ेंगे हम। फ़िलहाल तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ रास्ता है और आगे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रखे हैं, अभी आना जाना कितने लोगों का बना हुआ है माता के दरबार में, अपनी अरदास लगा करके सभी लोग आ रहे हैं। ये तो यहाँ दोस्तों हमने सीढ़ियों वाला मार्ग जो है पूरा कर लिया है और अब हम आ चुके हैं समतल वाले रास्ते पर जिस पे की चढ़ाई अभी चढ़नी बाकी है। वैसे तो मनसा देवी मंदिर की भी चढ़ाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है, तो ये यहाँ अभी देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो वगैरह से भी आप आ सकते हैं यहाँ तक के लिए, और अपने वाहन से भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर लोग रोप वे से भी आ जा रहे हैं बड़े ही सहूलियत से और बहुत ही आसानी से। यहाँ पर 5 से 10 मिनट का रास्ता लगता है इस रोप वे से, जो माता के दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर तक के लिए। इस तरफ वीर बजरंगी हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, इसके भी आप दर्शन कर लीजिए। और सामने से ये रास्ता है जो कि इस ओर से आ करके सीधा बाहर जाता है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो अब हम चलेंगे मनसा देवी मंदिर के लिए।
ये देखिएगा प्रसाद की दुकानें जगह जगह आपको लगी मिल जाएंगी। सिक्के जो चढ़ाने होते हैं मंदिरों में वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, अगर आप चेंज नहीं लेके आए हैं। सोडा वगैरह, सिकंजी, जल, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा एक चेतावनी लिखी हुई है, माँ मनसा देवी के दर्शन हेतु आने वाले भक्तों से विनम्र निवेदन है कि मनसा माता जी के दर्शन को जाने के लिए जो सड़क मार्ग बना है वह पहाड़ी एवं घुमावदार है। इस पर वाहन विशेष कर दुपहिया वाहन आना जाना जोखिम भरा एवं खतरनाक हो सकता है। तो यात्रियों से विनम्र निवेदन ये है कि सड़क मार्ग पर स्कूटर, मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहन ले जाना सख्त मना है। इसका समय सारणी ये रहती है कि सर्दियों में 6 बजे से शाम 6 बजे तक, गर्मियों में 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। तो ये यहाँ से मनसा देवी का स्वागत द्वार बना हुआ है और यहीं से हम अब अंदर चलेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हर की पौड़ी चंडी देवी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के लिए जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता जाता है, ये जो जा रहा है। तो अभी यहाँ से हम अंदर प्रवेश द्वार में एंट्री कर चुके हैं मनसा देवी वाले में और यहाँ से अब चढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा काफ़ी थक चुके हैं, चढ़ाई बहुत की है हमने भी। तो ये देखिएगा रोप वे से आप उड़न खटोला इसे जैसे कहते हैं, तो यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा हुआ है और गर्मी बहुत तेज़ है। तो इस गर्मी में सभी आने वाले श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने पानी की बोतल साथ लेकर के आएँ, जगह जगह बीच में विश्राम कर लें, जहाँ भी उनको छाँव नज़र आए और पानी की घूंट पीते रहें जिससे कि एनर्जी बनी रहे और जयकारे लगाते चलते रहें माता रानी के। तो इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हनुमान जी का रूप माने जाने वाले बानर जी यानी बंदर सेना इसको कहते हैं, उनको प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है। ये देखिएगा पड़ रहा गर्म हो गई ये मैंने इन्हें प्रसाद दिया तो किस तरह से मेरी और ही घुड़की दिखाने लग गए ये हनुमान जी। तो फिर और अभी आगे चलते हैं और चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, चलते रहेंगे, जयकारे लगाते रहेंगे, जय माता दी। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ मनसा देवी की चढ़ाई चढ़ते हुए हम पर्वत पर आ चुके हैं और सामने आपको दिखेगा हर की पौड़ी, उस तरफ जो गंगा मंदिर बने हुए हैं और वहीं पर गंगा जी की जलधारा बहती नज़र आएगी। ये देखिए और यहाँ से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, रोप वे के द्वारा और पैदल दोनों तरीके से यात्री आ जा रहे हैं। ये देखिए वो सामने ऊपर आपको माता जी का मंदिर नज़र आ रहा होगा, वहीं पर हमें जाना है, वहीं पे अरदास लगानी है माता से और माथा टेकना है अपना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों आगे चलते रहते हैं और चलते चलते आपको थोड़ा सा इसके इतिहास पर भी प्रकाश डाल देते हैं। ये जो माता रानी का मंदिर है मनसा देवी का, वो हरिद्वार में लगभग हिमालय की दक्षिण भाग में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उस पर है और शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, उसी पर ये मंदिर भी स्थित है जो कि हरिद्वार से, हर की पौड़ी से यानी कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इसकी जो खड़ी चढ़ाई है पैदल यात्री अगर आप करना चाहते हैं पैदल यात्रा तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ करके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो हिंदू कथाओं में, हिंदू धर्म में, शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे देवी देवता हैं, उन्हीं में से एक हमारी माता मनसा देवी भी हैं जो कि त्रिलोकी नाथ कहे जाने वाले भगवान भोलेनाथ और उनकी धर्मपत्नी पार्वती की सुपुत्री कही जाती हैं। और उनसे जो भी मनोकामना हम मांगते हैं, शुद्ध धागा जो भी बांध के आते हैं अपनी मनोकामनाओं के अनुसार, वो अगर पूर्ण हो जाता है तो वो धागा फिर से खोलने भी आना होता है, ऐसे भी इस देवी की मान्यताएं हैं। तो आगे चलते चलते और भी आपको रास्ते का
सफ़र दिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये घुमावदार रास्ते हैं काफ़ी, वो चढ़ाई वाले रास्ते हैं, क्योंकि इधर से अगर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी बल लगाना पड़ रहा है, और उस तरफ से अगर हम आएंगे तो एकदम फ्री, जिससे कि रिलैक्स होकर के आप आ सकते हैं, वैसे ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ से जो उतार है वो अलग प्रकार का है, और इस तरफ से चढ़ाई है तो थोड़ा आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे ये कष्ट है केवल नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद में सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक विश्राम करने के लिए भी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ देख सकते हैं, जो लोग आते हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं। यहाँ इस तरफ देख सकते हैं शिकंजी वगैरह, नींबू पानी जो जल है वो पीने के लिए मिल जाता है, और बैठने के लिए यहाँ पर लोगों के ये स्थान बना हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है जेब कतरे से सावधानी रखें, वे अपने स्वयं की स्वयं रक्षा करें। तो इसी के साथ और आगे चलते हैं, अभी पैदल यात्रा का मार्ग में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा पैदल वाला ये मार्ग, कि यहाँ पर आना जाना कितना सहूलियत दार है, कितना जो अच्छा है, सुगम है ये मार्ग। और अभी मौसम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़े से बादल हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, और पसीने में लथपथ होकर के श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनमें से कि हम भी हैं एक। और यहाँ देखिए उड़न खटोले से तो काफ़ी लोग बहुत जल्दी पहुँच जा रहे हैं, और एक और ये स्पॉट बना हुआ है बैठने के लिए, ठंडी ठंडी छाँव है यहाँ पर, पीने के लिए भी तो पानी मिल जाएगा। यहाँ प्याऊ भी लगा हुआ है एक, और यहाँ से भी आप शीतल जल पी सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं, और आगे की तरफ और बढ़ सकते हैं। तो बड़ा ही मनोहरम दृश्य है इस समय पर माता रानी के दरबार को जाने के लिए। तो आप भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और माता रानी के दर्शन करने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि माता रानी के दर्शन वो वीडियो के द्वारा घर पर बैठे ही कर सकें। तो दोस्तों ये अभी मैं शिवालिक पहाड़ियों पर ऊपर आ चुका हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो अभी बीच में रुका हुआ हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से शिवालिक पहाड़ियों से किस तरह से यहाँ हर की पौड़ी का दृश्य रहता है। वो सामने अगर आप देखेंगे उस तरफ तो ये सब हर की पौड़ी का नज़ारा है, और इस तरफ से जो है ये मार्केट वगैरह है, दुकानें हैं, वो सब धर्मशालाएँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं, रुकते हैं। और एक सामने से जो छोटा सा ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, तो ये भी एक पैदल मार्ग है माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो ये भी सीधा मंदिर तक आता है। तो ऐसे ऐसे दो तीन रास्ते हैं जो कि पैदल मार्ग चल करके हम माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, और अपना जो पुण्य है वो कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ शिवालिक पहाड़ियों में, और यहाँ से आपको मनोहरम दृश्य मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पूरी पहाड़ियों के बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ, और ये रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। तो इसी के साथ अभी मैं और आगे चलता हूँ, और सामने आपको दिखाता हूँ फिर से वही रास्ते वाला हाल जहाँ से हम अभी आए थे, और फिर आगे बढ़ करके और दिखाते हैं चीज़ें। तो ये है एक और जो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं, इसी रास्ते से हम आगे चल रहे हैं और माता रानी के दर्शन करने वाले हैं। तो जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी कमेंट में लिखते रहिए। सबकी मुरादें पूरी करने वाली मनसा देवी हैं, जो भी यहाँ सच्चे मन से अपनी मुरादें लेकर के आते हैं उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं माता, क्योंकि माता का नाम मनसा देवी इसीलिए है, मन सा यानी मन की इच्छा पूरी करने वाली, तो इनका नाम का मतलब यही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता जगदम्बा और भगवान भोले शिव शंकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे, और क्रीड़ा करते करते जो उनके तेज उत्पत्ति हुई, तेज की जिसकी, तो वो एक कमल के फूल से
जा करके शर्पणी के गर्भ में जा करके वो ठहर गया, जिससे कि माता रानी की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसे सर्प की देवी भी कहा जाता है माता मनसा देवी को, और नागराज वासुकी की बहन भी कहा जाता है। इसीलिए इनकी ये मान्यताएं हैं कि जो भी इनसे सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी करती हैं माता रानी। ये दोस्तों यहाँ से आप फूल प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, जो कि माता रानी के लिए चढ़ाया जाता है। ये पूर्ण रूप से पूर्ण प्रसाद है, जो कि माता को समर्पित किया जाता है। और यहाँ से फिर अब और आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल करीब पहुँच ही चुके हैं मंदिर के। थोड़ी सी और दूरी तय करनी है हमें, और फिर से माता रानी के दरबार में हम अपना पहुँच जाएंगे। ये सामने देखेंगे तो माता रानी के दरबार की, यानी मंदिर की जो चोटी है, वो आपको नज़र आ जाएगी। और यहाँ इस रास्ते में आने जाने वाले श्रद्धालु काफ़ी हैं, तो यहाँ से दोस्तों माता रानी का दरबार शुरू हो जाता है। ये देखिएगा, बिल्कुल निकट आ चुके हैं हम माता रानी के दरबार के। ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ से थोड़ा सा और चलना है हमें, और फिर माता रानी के दरबार पे हम पहुँच ही चुके लगभग। ये देखिए, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अब माता रानी के दरबार में। तो यहाँ से देखिए, बिल्कुल नज़दीक हैं माता रानी के दरबार के, और यहाँ पे फूल प्रसाद की जो दुकानें हैं बहुत सारी लगी हुई हैं। यहाँ से आप खरीद करके माता को प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। वैसे तो 1.5 किलोमीटर के सफ़र में पूरे में यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं जो फूल प्रसाद बेचे जा रहे हैं उस चीज़ की, और जूते चप्पल वहाँ पर आप उतार सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रसाद को ताज़ा किया जा रहा है फूलों को, जिससे कि वो मुरझाएं ना और माता रानी को भेंट किया जा सके। ये वो दरबार है जिसे हम एंट्री करके माता रानी के दरबार में अब अंदर चलेंगे। यहाँ से अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर भी सारी चीज़ें मिल गई। ये देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना कितना ज़्यादा है, और यहाँ ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुनरी वगैरह बांध रहे हैं श्रद्धालु आकर के। और इस तरफ ये देखिएगा, यहाँ श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई हैं माता रानी के दरबार के लिए। तो यहाँ से हम भी चल रहे हैं आगे, और माता रानी के दरबार में चल करके आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। ये देखो, यहाँ एक वृक्ष है पीपल का, उस पर भी लोग चुनरी वगैरह बांध रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं माता से। मनसा देवी मंदिर का द्वार है ये, आएं और आकर के अपना अर्जी लगाएं, और माता से जो मांगना है वो मांग सकते हैं, सबकी मुरादें पूरी करती है माता। तो ये सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, माता रानी का दरबार है उस तरफ से, और यहाँ से दर्शन वगैरह करने के लिए हम जा रहे हैं अंदर। तो देखते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, दिखाएंगे कि अगर माता रानी के दर्शन होने होते हैं तो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और यहाँ पर जो कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है कभी कभी, तो हो सकता है अगर आप मना किया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। जय जय।
तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं कतार में लगा हुआ हूँ माँ मनसा देवी के मंदिर के द्वार में, और आगे आपको दिखाने वाला हूँ मनसा देवी की जो गर्भगृह है उस चीज़ के। और यहाँ पर जो है बार बार यहाँ ये भैया खड़े हुए हैं, ये राम 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 कहने का उच्चारण के लिए कह रहे हैं सभी श्रद्धालुओं से आए हुए से, तो राम राम कहते चले और माता रानी का जयकारा लगाता चले, जय माता दी कहते चले। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं श्रद्धालु आ चुके हैं अंदर और सभी लोग अपना अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुख्य मंदिर वैसे तो आगे है लेकिन यहीं से जो फूल प्रसाद वगैरह लेकर के पुजारी जी रख ले रहे हैं और आगे श्रद्धालुओं आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि अभी हम भी अभी लाइन में लगे हुए हैं, मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच पाए हैं, जहां मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे मतलब माता के गर्भगृह में जहां माता की मूर्ति विराजमान है वहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग। तो अभी और थोड़ा सा आगे देखते रहिए वीडियो, तो जय माता दी बोलते रहें कमेंट में। यहाँ माता जी का प्रसाद वगैरह चढ़ाया जा रहा है, देखिएगा चढ़ा दिया दान दक्षिणा भी पूजा चढ़ावा चढ़ाया। ये मुख्य द्वार है जिसमें हम प्रवेश करेंगे गर्भगृह के लिए, माता की मुख्य प्रतिमा है वहाँ चलेंगे जहाँ माता जी विराजमान है मनसा देवी। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है, और ये देखिएगा यहाँ पर ये हम आ चुके हैं यहाँ मनसा देवी मंदिर पर। ये सामने आप माता रानी की जो प्रतिमा है वो देख सकते हैं यहाँ पर विराजमान माँ मनसा देवी। ये दोस्तों मुख्य द्वार है माता जी का गर्भगृह है, सामने आपने देखा मैंने दिखाया आप लोगों को, बड़ा अच्छा मन यहाँ पर लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, मैंने भी चढ़ा दिया है यहाँ पर प्रसाद। वैसे तो ये देखिएगा पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन है यहाँ। यहाँ दोस्तों हाँ हो गई है, यूट्यूब पे कौन चैनल भैया? यूट्यूब पे स्नूप ब्लॉग चैनल है भैया। थोड़ी हमारी फोटो आएगी ना पक्का? बिल्कुल आएगी यार, बिल्कुल आएगी भाई जी आपकी फोटो, पीछे से ले रहा हूँ मैं आपको तो वहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए मनसा देवी पर जो गांठ लगाई जाती है धागे की वो यहाँ है, सभी श्रद्धालु यहाँ पर गांठ वगैरह लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं माता रानी से कि उनकी मुरादें पूरी कर दें भैया। तो फिर अब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा और, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है यहाँ देखिएगा, और एक बीच बजरंगी हनुमान जी का मंदिर इस तरफ है, यहाँ भी सब लोग दर्शन वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ महादेव प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है उस तरफ, तो उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये देखिएगा
तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर मंदिर दिखाए, और अभी जो और ज़्यादा रह रहे हैं मंदिर उन सभी को भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक ये भी यहाँ मनसा देवी ट्रस्ट का कार्यालय बना हुआ है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अब हम चलेंगे तो वैष्णो देवी मंदिर है, इसमें भी अभी हम प्रवेश करेंगे और माता रानी को अपना जो प्रसाद वगैरह है वो अर्पित करेंगे। जय माता दी। यहाँ देखिए माता रानी की विशालकाय मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, देख सकते हैं शेरों वाली माता, वैष्णो देवी माता जिसको बोलते हैं। ये 52 सिद्ध पीठों में से ही जो एक ये मनसा देवी का मंदिर भी सिद्ध पीठ ही है। इस तरफ धागा वगैरह काल भैरव जी की जो आराधना करते हैं लोग, उनके लिए भी यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। दोस्तों ये माँ मनसा देवी के बाद में वैष्णो देवी का एक मंदिर यहीं पर पड़ता है, उसकी पूजा आराधना करते हैं लोग, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मैंने भी यहाँ पर चढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो सिद्धपीठ 9 देवियों की प्रतिमाएं हैं वो भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा ही मनमोहक यहाँ का दृश्य रहता है। ये यहाँ देखिए पहाड़ियों के बीचों बीच यहाँ पर रहने वाला ये दृश्य है, ये देखिएगा कितनी ऊँचाई पर मैं अभी आया हुआ हूँ। शिवालिक की ये पहाड़ियाँ कहलाई जाती हैं, तो इन्हीं से हमने यहाँ पर दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आकर के। और अच्छा तो यहाँ पर ये काल भैरव जी का मंदिर है, और यहाँ पर काला धागा बंधवाया जाता है जिससे कि बुरी जो आत्माएं हैं वो आपको कोई असर ना करें। ये देखिएगा यहाँ से अब हमने सारे यहाँ दर्शन कर लिया है, और फिर अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।